मुंबई का गौरव, देश का गौरव, अटल सेतु। 21 किलोमीटर लंबा यह समुद्री पुल सपनों को हकीकत बनाता है। पर क्या सिर्फ सपनों के लिए ये बनवाया गया है? कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि 200 रुपए के एक तरफ के टोल के साथ अटल सेतु आम जनता के लिए कितना सुलभ है। आइए जानते हैं क्या है इसकी कीमतों को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी। 200 रुपए एक तरफ के 375 रुपए राउंड ट्रिप, यही है अटल सेतु टोल की कीमत, जो कुछ के लिए तो सुविधा है लेकिन बहुत से लोगों के लिए बोझ बन गया है। टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो वाले, रोजाना आने जाने वाले लोग सब सवाल उठा रहे हैं, क्या इतनी कीमत सही है? क्या हर किसी के लिए इतना आसान है पुल को इस्तेमाल करना? इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट का कहना है कि लागत वसूलना जरूरी है लेकिन एक बैलेंस भी होना चाहिए। हर किसी के लिए सुलभ हो रोड, तभी तो असली विकास होगा। अब इस पुल को बनाने के लिए 17,840 करोड़ की लागत आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली इसे जनता पर इस तरह से मढ़ दिया जाए। अटल सेतु विकास के लिए काफी जरूरी है, पर यह हर किसी के लिए जरूरी बनना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे वालों के लिए। बैलेंस काफी जरूरी है विकास और आम जनता के बीच, तभी तो सच में चमकेगा अटल सेतु मुंबई के लिए ही नहीं बल्कि भारत के गौरव के रूप में। आपका क्या मानना है, क्या इतनी कीमतें सही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।